करके लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है, मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा तीन तीन महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में, कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है, कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया, कौन ये सारे हिसाब लिया। राजश्री मोरे, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया, लोखंड वाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया, सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं वहाँ पे लेकर आई, तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे, आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी, तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया नमक हरामी मैं नहीं करूँगी, तुम्हारी माँ 100 साल जिए। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राजश्री ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था, राजश्री ने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने आदिल खान दुरानी ने कहा था जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगी, बोला था। राकेश सावंत माँ नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राजश्री मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई, वहाँ पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी, मैं तो नीचे नहीं आई थी बोलने, राजश्री मोरे नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के दो झूठ तो पकड़े गए, क्लियर तो हुए। आदिल खान जबरदस्ती शर्लिन जी को, देखो शर्लिन से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी मेरी बहन है, क्यों उसको शर्लिन खान सॉरी क्या शर्लिन चोपड़ा जो है वो एक अच्छी लेडी है और बीच में हमारी दोस्ती भी हुई थी, उनको मैंने दुबई लेकर गई थी दादा साहब फाल्के अवार्ड लेने के लिए और मैं उनको मेरी अकेडमी की ओपनिंग के लिए भी लेकर गई थी, पूरा मीडिया में सम्मान किया, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिलाया। अगर वो मेरी दुश्मन होती, अगर मेरे दिल में कपट होता तो कौन सी लड़की आज दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलाएगा, वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। देखिए इसके बारे में मैं एक जवाब दूंगा, जो वीडियो जिस तरीके का जो वायरल हुआ या जो दिखाया गया है, आप अगर वो वीडियो सबने देखे रहेंगे तो वीडियो क्लियरली एक एक्ट दिखाया था। और ये हम नहीं, ये कानून के काफ़ी अक्सर FIR होता है, ये FIR में अक्सर ये चीज़ एलिगेशन आती है और जो होता ही है कि अक्सर कुछ मर्द जो है, कुछ आदमी जो है वो अपना एक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इंसान ये रिकॉर्डिंग एक लेडी अपने बारे में क्यों करेगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद आप उसी वीडियो के बारे में बात करें जो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए जो आरोप जो FIR में जो सेक्शंस लगे हैं वो सेक्शंस बिल्कुल बराबर है, क्योंकि जो चीज़ें जो साहब, अगर फोन मेरे हाथ में है तो मेरी मर्जी है, अगर फोन आदमी के हाथ में है और अपनी बीवी के न्यूड वीडियो नहाते हुए बनाते हैं, अगर मुझे करना तो मैं फ्रंट रहूंगी ना, अगर मेरा लेना है तो फ्रंट में रहूंगी ना। लेकिन जो बीवी, उनकी बीवी बाथरूम में है, जैसे कि मैं, मेरे पीछे से न्यूड वीडियो बनाया जा रहा है, उसके फोन से फोन उसके हाथ में, सेल वो कर रहा है, वीडियो वो बना रहा है, अगर मेरे हाथ में फोन है तो मेरी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मैं बैक हूँ और फ्रंट भी हूँ, सारे वीडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ, आज अगर आदिल राखी से शादी नहीं करता था तो क्या वो मीडिया को बुलाता, तो क्या आप लोग जाते थे वहाँ पे? आज आदिल जो है वो राखी की वजह से, अगर नहीं होती थी राखी इस पिक्चर में
तो वो कितने भी लोगों को फोन करके अपनी बातें कभी करना भी चाहे तो भी कोई जाता नहीं था। तो आज ये चीज प्रूव हो जाती है कि आज उसके फोन पे करने पे अगर 10 लोग वहां पे खड़े भी होते, वो 10 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से, और वो यही चाहता था कि उसका नाम हो, उसे कुछ काम मिले, उसे एक्टर बनना था या जो भी बनना था। तो ये इस तरीके से जो राखी बता रही है वो बिल्कुल सही है कि उनका इस्तेमाल किया गया है, और ये जो है एक कॉमन तरीका बन गया है काफ़ी लोगों के अंदर कि ये पॉपुलर है, इन्होंने मेहनत किया है, ये मेहनत करके ऊपर आई है, ये स्क्रैच से ऊपर आई है, इनकी अपनी पूरी मेहनत है। एक ज़माने से इनके जो है वो शोज़ और इनके जो सॉन्ग्स और इनके काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलर और लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज़ को, तो इस चीज़ को रखते नज़र रखे ही ये इंसान लाइफ में आया था और इसने यूज़ किया है, और इसीलिए आज वो FIR भी रिकॉर्ड पे है जो आज तक वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अगर हकीकत में अगर वो सही है तो उसे जाना चाहिए कोर्ट में और इस FIR को चैलेंज करना चाहिए जो उसने आज तक शायद किया नहीं है। नहीं, राष्ट्रीय मोरे ने ये भी एलिगेशन आप केस वो लगाना पड़ेगा। राष्ट्रीय मोरे ने मुझे बीमार बोला, आपने देखा है? बिल्कुल, हमने वो मुझे वो कहा कि राखी सावंत बीमार है, राखी सावंत मेंटली उसकी स्थिति ठीक नहीं। हाँ राष्ट्रीय, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हुई है। हाँ राष्ट्रीय, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं बीमार हूँ। हाँ राष्ट्रीय, मेरी बेस्ट फ्रेंड, 8 साल की दोस्ती, तुमने धोखा मुझे दिया, मैं ये सदमे से मैं बीमार हूँ। तुम लोगों ने मुझे बीमार किया, तुम लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, तुम लोगों ने मुझे सताया सब ने मिल के। ये सब देख के इंसान बीमार ही हो जाता है। तुम सब ने षड्यंत्र रचा है, मुझे धमकियां दी है, ये सारी षड्यंत्र रचा है कि ताकि मैं आदिल के खिलाफ सारे केसेस में वापस ले लूं। मुझे अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया है। दुबई की बात कही है, दुबई की बात कही राखी का क्लब ने, हाँ वो क्लब मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ साइन किया गया था वहाँ पर एज एन ब्रांड उस क्लब की ओपनिंग के लिए, कहते मैंने टिकट करी। हमारे पास आज भी फाल्गुनी जो मेरी एडवोकेट है वो सबूत है, हमने बोला था हम हमारी टिकट बनाएंगे, राष्ट्रीय ने बोला नहीं, पहला ट्रिप है, मैं पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं टिकट बनाऊँगी। तो राष्ट्रीय ने तीनों की टिकट बनाई, तो फिरोज़ कोरियोग्राफर, हम 4 फ्रेंड है, उसकी भी बनाने वाली थी, फिरोज़ आया नहीं, फिरोज कोरियोग्राफर। मैंने वहाँ पे उनको 15 दिन का फ्री स्टे दिया, मुझे ये सब नहीं बोलना, मैं दोस्ती में खाना पीना स्टे नहीं गिनवाती हूँ, ना मुझे गिनवाना है। मैं उस रात भाग गई, राष्ट्रीय को पूछो आप लोग जाके, राखी सावंत उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अपने बैग लेकर भाग गई, उस बोट में, यॉट में, राष्ट्रीय मोरे ऐसा क्या हुआ था जो राखी सावंत फाल्गुनी एडवोकेट डर के हम दोनों भाग गए, और तुम 15 दिन और 1 महीना उन लोगों के साथ वहां पे रही। वहां पर 30-30, 35-35, 50-50 टकेला शॉट किसने मारे थे? राष्ट्रीय मोरे आधी बात मत बोलो, दुनिया को, मीडिया को बताओ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो मैं भागी थी अपना सामान लेके रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक एक वीडियो में मीडिया को और जनता को बताया, दुबई के जो क्लब में बस क्लब का देखो, राष्ट्रीय मोरे को मैंने एकदम सम्मान से स्टेज पे खड़ा किया था, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुबई से आई हूँ, फाल्गुनी, राष्ट्रीय और जो लोग थे वहां, ऐसा क्या हुआ था? बोल दूंगी तो शायद तुम हिंदुस्तान में भी रहने के लायक नहीं रहोगी, मुझे गटर का ढक्कन मत खुलवाओ, इतनी गंदगी बाहर निकलेगी, इतना कूड़ा बाहर निकलेगा जो तुमने आज मीडिया में किया है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, मैं गद्दारी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। तेरे घर का नमक खाया है मैंने, तेरी माँ के हाथ का खाना खाया है, मैं नहीं करूंगी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी।